साहा ने किया था स्वाहा, बीच में पहुंचाया नया, लेकिन बीच में से भुरतेल और मल्ला, डुबोदी नेपाल की नया। जी हाँ दोस्तों, आज हुए नेपाल और कनाडा के बीच मैच में नेपाली बैटर अनिल कुमार साह ने एक विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करके कनाडाई बॉलर के चिथड़े उड़ा दिए। मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और नेपाल की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने उतरे आसिफ शेख और अनिल साह ने इस तरह की शुरुआत की मानो 720 किलोमीटर की स्पीड से कोई तूफान बह रहा हो। गेम की शुरुआत चौके के साथ करते हुए पहले ओवर में ही अनिल साह ने तूफान की शुरुआत कर चुके थे और दूसरे ओवर शुरू होते होते अनिल साह ने तूफान को उसी मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड पर लैंड करवा ही दिया। दूसरे ओवर में अनिल साह ने हेलिगर को 3 छक्के लगाकर कुल 19 रन बटोरे। यह यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आसिफ और अनिल साह की जोड़ी ने 8वें ओवर तक मैदान पर अपना कहर दिखाते रहे और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए कुल 70 रन बनाए और नेपाल को एक उम्दा शुरुआत दे दी। अनिल शाह ने अपने इस धमाकेदार पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर कुल 40 रन बटोरे। वहीं आशिक दादा ने बनाए 30 रन। एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद आज मिडिल ऑर्डर ने उतना खास योगदान नहीं दे पाए। फिर भी अंत में गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह हैरी ने मिलकर एक तेज तर्रार 24 रनों की एक नन्ही सी साझेदारी की और नेपाल के स्कोर को 139 तक पहुंचाया। इन दोनों के अलावा नेपाल के लिए पौडेल ने 4 रन, कुशल मल्ल ने 4, भुरतेल ने 13, गुलशन झा ने 23 और हैरी ने 12 रनों का योगदान दिया। ओवर की शुरुआत में जिस तरह का स्टार्ट अनिल शाह ने दिलाया था, अगर नेपाल उस मोमेंटम को बरकरार रखता तो आज स्कोर कहीं ना कहीं 180 के पार हो सकता था। लेकिन फिर भी नेपाल ने अपने पहले इनिंग्स में 6 विकेट खोकर कुल 139 रन ही बना पाए। तो आपको आज अनिल शाह की बैटिंग कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।